मम्मी जी ने जो मुझे सर्गी दी है उसमें थोड़ा खाने का सामान भी था और सारा श्रृंगार का सामान भी है, जो कि एक लेडी करती है करवा चौथ वाले दिन, उसकी जो भी 16 श्रृंगार होते हैं। तो खाने का जो सामान था उसमें से मैंने सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं क्योंकि यही बचे हुए थे, बाकी मैं सब खा गई थी, फ्रूट्स भी। और मम्मी ने सुबह सुबह मेरे लिए खीर बनाई थी कि खाली पेट मत रहना, कुछ खा लेना। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर उन्होंने मेरे लिए खीर वगैरह बनाई और ड्राई फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स दिए, तो मैंने उनसे खीर और फ्रूट्स खा लिए थे और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं। आज का ये ब्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला क्योंकि आज है करवा चौथ। ये मेरा दूसरा करवा चौथ है, तो करवा चौथ की शुरुआत हुई मेरे सरगी से। मम्मी जी ने आज सुबह सुबह उठ के मेरे लिए खीर बनाई थी सरगी में, और कुछ फ्रूट्स थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। तो उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे उठाया कि आकांक्षा ये लो तुम्हारी सरगी, इसमें तुम्हारा सारा श्रृंगार का सामान है जो तुम्हें आज यूज करना है। ये नया होता है, नया सामान ही यूज करना होता है हमें कोई पुराना सामान यूज नहीं करना होता। और इसमें कुछ खाने पीने का सामान है जिसको खा के हम अपने व्रत की शुरुआत करते हैं, मतलब मॉर्निंग में ही खा लेते हैं बहुत सुबह उठ के, और उसके बाद में पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता। फिर शाम को जब चांद दिखता है उसके बाद पूजा करके हम अपना व्रत खोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सरगी के अंदर क्या क्या है। ये है स्पेशल थाली, मेरी सरगी की थाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर बैंगल्स, मेरी जो साड़ी है वो रेड कलर की है, तो मम्मी से बोला था कि मम्मी आप रेड कलर का कोई मैच करता हो कलर ले आना, तो मम्मी इसलिए रेड कलर की चूड़ी लेके आई है। उसमें थोड़ा गोल्डन वर्क और थोड़ा सा ग्रीन कलर का वर्क भी है, तो ये मैच करने के लिए, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डालने के लिए ये गोल्डन कलर की बैंगल्स है और ये ग्रीन कलर की बैंगल्स है, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। ये ग्रीन वाली तो कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब इसके अंदर है ये दो तरह के सिंदूर हैं, ये एक पाउडर सिंदूर है और एक लिक्विड सिंदूर है। जो पाउडर सिंदूर है जो हमें माता रानी को चढ़ाया था नवरात्र में, तो आज हमें ये ही यूज़ करना है करवा चौथ वाले दिन। और ये दो लिपस्टिक के शेड्स हैं, ये एक डार्क रेड कलर का शेड है और ये थोड़ा पिंक मॉव कलर का शेड है जो मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। ये दो कलर के नेल पेंट है, ये थोड़ा मैरून सा है, ग्लॉसी शेड है, और ये थोड़ा ग्रीनिश ब्लूइश सा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा शेड है, क्या नाम बोलते हैं इसको, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे कलर्स के बारे में, बट ये शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो ये मैंने ले लिया। ये है कलर बार का आईलाइनर, ये है मस्कारा और ये है कलरसल का काजल। मुझे बिंदी जो है वो छोटी ही पसंद है मैरून कलर की, तो मैंने मम्मी से बोला था कि मेरे लिए मुझे छोटी बिंदी दिला देना, तो उन्होंने मुझे यही दिला दिया। और ये नया कॉम भी हमें नया ही यूज करना होता है। ये सुबह के ड्राई फ्रूट्स बच गए थे क्योंकि मुझसे खाया नहीं गया था खाली पेट, सुबह सुबह इतना कहाँ खाया जाता, तो मैंने बस वो खीर खा ली थी और थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे, बनाना खा लिया था। अब ये बिछुए जो कि मम्मी जी ने मुझे दिए हैं, जो मेरे बिछुए मैं पहनती हूँ उनमें यहाँ पर डिजाइन है ऊपर की तरफ, लेकिन अब विंटर्स आ रहे हैं तो शूज़ पहनने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, वो पैर में बहुत ज़्यादा चुभते हैं, दिक्कत करते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप प्लीज़ मुझे सिंपल से बिछुए दिला देना इस बार। तो मम्मी मुझे तो कहीं मिले नहीं थे, तो मम्मी फाइनली ढूंढ के ले आई मेरे लिए ये, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ, आज मैं इन्हीं को पहनूंगी। जब मैं रेडी होंगी ना मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी तैयार होकर, अपना भी और मम्मी का भी। चलो इनको वापस रख देते हैं ऐसी। करवा चौथ की थाली, तो आज करवा चौथ की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई। सुबह सुबह मुझे सरगी मिल गई मम्मी जी के हाथों से और कुछ मीठा खाने को मिल गया जो कि मम्मी जी ने ही बनाया था। तो आप लोग भी प्लीज कमेंट जरूर 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 बताना कि किस किस की मदर इन लॉ उनको करवा चौथ के दिन ऐसी सरगी की थाली देती है, और कौन कौन सुबह मॉर्निंग में कुछ मीठा खा के अपने व्रत को रखता है, मतलब अपने व्रत की शुरुआत करता है। हो चुके हूँ, ये मेरी साड़ी है और ये हमारा पूजा का सेटअप तैयार हो गया है, मतलब पूजा की तैयारी हो गई है। अब हम बस कथा करने वाले हैं, मम्मी जी भी तैयार हो रही हैं, हो गई है बस। और हमने यहाँ कथा पढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है अपनी। सबसे पहले मैं अपना लोटा भर के लेके आई, तब तक मम्मी जी ने अपने लोटे पर कुमकुम और हल्दी का तिलक कर लिया था और मुझे भी करना था। उसके बाद मम्मी जी ने मुझसे बोला कि दो नए रुमाल लेके आओ, क्योंकि उसमें हमने घास को जो कि पूजी जाती है और थोड़े चावल को बांध के रखना होता है, लेकिन सबसे पहले हमने थोड़ी सी धूप घास को गणेश जी को अर्पित किया उनके चरणों में।
मम्मी ने मुझसे बोला कि तिलक लगा, मुझे लगा मम्मी ने मुझे बोला है कि मैं तिलक लगा लूं, और मैंने कुमकुम हल्दी का तिलक खुद को लगा लिया। देख के मम्मी हंस पड़ी कि खुद को नहीं लगाना है, लोटे को तिलक लगाना है। फिर मैंने अपने लोटे पर 7 तिलक लगाए। तो जैसे जैसे मम्मी जी मुझे रीति रिवाज बताती जा रही थी, वैसे वैसे मैं वो सब फॉलो करती जा रही थी। अब थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे हो ही जाती हैं, खैर मुझसे भी हो गई। तो जब तक मैंने तिलक किए तब तक मम्मी जी ने भी थोड़ा पूजा पाठ शुरू कर दी थी, ताकि हम एक साथ मतलब मम्मी कथा कह सके और मैं उसको सुन सकूँ। उसके बाद फिर मैंने लोटे पर कलावा बांधा, उसको भी थोड़ी सी रोली लगाई, और रोली कुमकुम जो भी होता है वो रोली होती है, कुछ लोग कुमकुम भी बोलते हैं, रोली लगाई, थोड़े से चंदन लगाया, हल्दी लगाई और थोड़े से अक्षत लगाए, मतलब कि चावल लगाए। फिर मम्मी जी ने मेरे हाथ में थोड़े से चावल रखे, दूब घास रखी, जिसको हाथ में बंद करके, अपने सीधे हाथ में बंद करके कथा सुननी होती है। जिसमें एक बेटा और बहू थी, वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे कैसे हो क्या मांग। गणेश जी आए और बोले, बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यह यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे, बुढ़िया की बात तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, देने की कृपा करना। जय गणेश भगवान की जय। बोलो करवा माता की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस कथा, एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी, यानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर देकर ही करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी, उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, इस प्रकार से जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय करवा माता गणेश भगवान की। फिर कथा पूरी होने के बाद जो धूप घास और चावल हमने अपने हाथ में रखे थे वो मैंने मम्मी ने अपने अपने रुमाल में बांधे, ताकि जब हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है तो इस धूप घास और चावल को हम एक हाथ में रख के उसके ऊपर पानी डालते हुए चांद को अर्घ्य देते हैं, उसी से पूरी पूजा पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो करवा चौथ वाले दिन मम्मी जी ने मुझे 3 कहानियां सुनाई थी, जिसकी शुरुआत मम्मी जी ने गणेश जी की कहानी से की थी। उसके बाद उन्होंने करवा माता की कहानी सुनाई और फिर चुटक मुन्ना की कहानी सुनाई। इसके बाद मैंने मम्मी को कलावा बांधा और फिर मम्मी जी ने मेरे हाथ में, भाई ने हाथ में कलावा बांधा, और फिर उसके बाद हम सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए चले गए। तो हमारी पूजा हो चुकी है, मैंने और मम्मी जी ने कथा पढ़ ली है, और अब मैं आई हूँ किचन में मम्मी जी के लिए चाय बनाने के लिए, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही रखी थी, वो बस बन गई है, रेडी है। तो एक्चुअली मम्मी को गैस की थोड़ी दिक्कत है, तो वो खाली पेट नहीं रह सकती, इसलिए उनके लिए थोड़ा खाना पीना ज़रूरी है। बट मैं कुछ खा पी नहीं सकती, क्योंकि आज मेरा निर्जला व्रत रखा है मैंने। जब तक मुझे चांद नहीं दिखेगा, जब तक मुझे मेरा चांद नहीं दिखेगा, तो मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी, ना ही कुछ पीऊंगी, और पूजा होने के बाद ही कुछ खा पीऊंगी। तो सबसे पहले आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक बहुत बड़ा सॉरी मेरी साइड से, क्योंकि आज करवा चौथ का मैंने बोला था कि एक स्पेशल लोग होने वाला है, बट मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट।
तो व्लॉग मैंने आधा ही बनाया है। मैं मॉर्निंग का सरगी का वीडियो बनाया था और दोपहर की कथा का वीडियो बनाया था, लेकिन जो शाम की पूजा हुई थी वो और अब जो चांद को देख के जो पूजा की थी वो उसकी वीडियो नहीं बन पाई किसी वजह से। बट मैं वीडियो के एंड में उसकी पिक्स ज़रूर डाल दूंगी। प्लीज़ इस बार के लिए माफ़ी दे दीजिए और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।